मतलब प्यार के हाथ से फल खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ वो कहते हैं ना, प्यार से अगर किसी चीज़ को खिलाओ तो उसके अंदर ज़्यादा रस होता है, या फिर सबर का फल मीठा होता है। तो ये फल ही इतना मीठा था कि मैं 4 आम खा चुका हूँ, और अब तो 5वीं बार मेरी हालत नहीं है कि मैं आम खाऊं दोबारा। आज कैसे मतलब फाल्गुनी आपको आम खिलाने के तो लिए बोल रही बेसिकली फाल्गुनी का ये कहना है कि ये दोस्ती वाला आम है, है? हाँ और ये जो आम खाते हैं तो इससे दोस्ती बनती है। तो मुझे एक अच्छी चीज़ लगती है कि भैया इसकी तरह से पहलू है कि इसको हाँ दोस्ती करनी है। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो ये खास आम हुआ, ये दोस्ती वाला आम है, तो चलो आम खाते हैं। तो आम काटा है और आम खाया है, रस ले लिया, मज़ा ले लिया, लेकिन आम में कुछ तो गड़बड़ थी जो मुझे सूट नहीं गया और वो गले में फंस गया, और वो खांस खांस का इतना बुरा हाल हो गया कि फाल्गुनी को तो लगा था कि मैं चला ही गया हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन समहाउ मैं वापस आ जा गया हूँ। और उसने मुझे पानी पिलाया और वो आम खाते खाते मेरे गले में अटक गया था, तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी खासा, और 4 आम खा चुका हूँ। अच्छा कहीं ना कहीं दाढ़ी वाले से फ्रेंडशिप का इनिशिएटिव ले रही हैं फाल्गुनी। हाँ, क्योंकि अभी उनको एक इनका एक डाउट क्लियर कर दिया, जो पहले वो मुझे बोलती थी कि आप भूत जी हो। तो अभी एक हमने एक प्ले किया था जहाँ पे उसको बताया कि भूत ऐसा दिखता है, मैं भूत ऐसा नहीं दिखता दाढ़ी ऐसा वाला। नहीं दिखता। तो अभी भूत जी से उन्होंने मेरा नया नाम रखा हीरो जी, हीरो जी। तो वो हीरो जी करके मुझे बुलाती हैं। तो अभी उसी के अंदर वो खुश हैं कि ये हीरो जी हैं और ये अच्छे दोस्त हैं मेरे, और ये भूत जी नहीं हैं। अच्छा फैंस एंड ऑडियंस को थोड़ा सा रोमांटिक चंक दिखेगा जब वो आपको पीछे से हग करती हैं और आप उनको। हाँ, इनफैक्ट रोमांटिक जो मोमेंट है दोनों के बीच में, वो हमने पीछे भी शूट किया है, जहाँ पे उसको मैं फेरी लैंड के लिए एक मैंने प्रिपरेशन की है, जहाँ कि उसको बिल्कुल एक जैसे कि स्टार्स पे मून पे ले गए हाँ हैं, हाँ हाँ और वो सब कर दिया। कि ये भी मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ पैकेज था कि आम खाते खाते वो इतना डर गई थी कि उसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, और ऑल ऑफ अ सडन उसने मुझे हग कर लिया। तो मुझे इस सुयश को कहीं ना कहीं एक अच्छा जेस्चर लगा कि ये इतना एक्सपेक्ट कर रही थी और इसने एकदम से हग कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब सुयश को लगता है कि उनकी याददाश्त लाने में अब आप सुयश को तो हर पल लगता है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, क्योंकि फाल्गुनी को ऐसे सपने भी आ रहे हैं कि जहाँ पे वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है, और जब उसकी आँख खुलती है तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। तो सपने में वो मुझे उठ के ये भी बोलती है कि मैंने सपना देखा जहाँ आप मेरे साथ थे और मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, लेकिन आप कौन हो? तो वो डॉक्टर ने भी बोला है कि इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं नहीं डालना है, डालना। क्योंकि दिमाग अभी बच्चे वाला है, तो हो सकता है नस ना फट जाए। तो इस चक्कर में उसको पैम्पर करके कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कभी तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट ले आना, कभी मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट ले आऊँगा। तो वो पल बीच में आते रहते हैं, खुशी होती है, लेकिन वो खुशी ज़्यादा जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जाहिर करेंगे तो वो ज़्यादा सवाल करेगी और उसके बाद करेगी। जवाब नहीं होंगे मेरे पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।